हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और एकदम मजे में होंगे। और फ्रेंड्स, अभी बज रहे हैं सुबह के 11 और बस किचन का सारा सामान निकालना शुरू कर रहे हैं, क्योंकि आज किचन की पुताई करनी है। कल हो नहीं पाई थी, कल वो बाहर गेट वगैरह खोला जा रहा था, दीवार फूट रही थी, पूरी दीवार फोड़ी गई थी, इस वजह से नहीं कर पाए थे। तो आज कर रहे हैं पुताई, नहीं तो आज कपड़े वगैरह बस धोने को रह जाते और पुताई से फ्री हो जाते, पर आज करेंगे। अब क्या किया जाए, और आज कुछ और भी है, मतलब पुताई तो कर ही रहे हैं किचन की। और आज है 9 नवंबर और मेरा आज बर्थडे भी है। तो वैसे तो कुछ अच्छा सा करते हैं, कहीं जाते हैं मंदिर में दर्शन करने वगैरह, पर ये दिवाली का काम चल रहा है, पूरा घर फैला पड़ा हुआ है। और यहाँ पर किचन का सारा सामान खाली कर रहे हैं, बहुत सा तो निकाल भी दिया है गैलरी में, और थोड़ा बहुत बचा है वो भी सब निकाल दें। उसके बाद में पूरी किचन की दीवारें छत ये अच्छे से झाड़ू से साफ करनी है। तो ऊपर मैं पहुंच नहीं पा रही थी, तो ये बोल रहे थे ऊपर के जो जाले धूल मिट्टी है वो सब मैं निकाल दूंगा, साफ कर दूंगा। तो ये ऊपर पहुँच गए हैं वहाँ पर, और सारी अलमारियाँ ऊपर की छत वगैरह और खिड़की है जो पीछे रोशनदान, ये सब साफ कर रहे हैं। और सारा सामान कुछ तो सीढ़ियों में भी रख दिया है, और यहाँ सब गैलरी में साइड भर दिया है। और यहाँ पर ये कर रहे हैं चांदनी की पुताई, और ये बोल रहे थे ना वाइट में पता नहीं चलता है कि कहाँ पे पुताई हो चुकी है कहाँ नहीं, बस गीले से अंदाजा लगा सकते हैं कि, और सूख जाता है तो बिल्कुल ही नहीं पता चलता है कि यहाँ पे पुताई करके हम जा चुके हैं। और उसके बाद में फिर दीवारों में मैं कर रही हूँ जहाँ तक मैं पहुँच सकती हूँ स्टूल में चढ़ के। ये तो तुम नहीं लगाई थी तो। ये देखिए आज इनका बर्थडे, और इधर में चल रही है पुताई, कुछ इस तरीके बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं। कैसा लग रहा है इस वर्ष बर्थडे के सेलिब्रेट करने में? कमरे में पुताई हो चुकी है, अभी गीला है, सूखा नहीं है, जब सूख जाएगा तब सही लगेगा। कुछ नहीं करना है मैंने, नहीं हर बार ज़्यादा नहीं, केक वगैरह तो ले जाते हैं और केक काट लेंगे, और भगवान जी को भी प्रसाद केक का भोग लग जाएगा। और ये तो मेरे संग पुताई करा रहे थे, और पता नहीं कब चलेगा सीधे इसे पुताई करते ही छोड़ दे। मैंने तो आगे फिर मैं बाकी की नीचे नीचे की पुताई करती रही थी। मैं मार्केट से लौट के आया हूँ, दोनों माँ बेटे लेते हुए, जब से मार्केट से आए तब से कह रहा है उठ जा उठ जा, कपड़े तो चेंज कर ले, पुताई के पेंट के बिगड़े थे, कह रहे बोल रही थी नहीं ये ही सही है कपड़े, उन्होंने डिस्टेंपर लगा था, डिस्टेंपर लगा है, पुताई की है, काम किया है घर का, और इधर भी फैला पड़ा हुआ है पूरा घर, अभी अच्छे से सेट भी नहीं हो पाया घर, और ज्यादा नहीं है कुछ, केक तो काट ही लो, तो फिर कपड़े बदले जब केक आया तो। चलो तो केक क्या रोक लेता, डिस्टेंपर लगे से काट लेते हो तो। वो तो सही है, पर तब भी अच्छा नहीं लगता इतना। वैसे तो मैं काफी सामान लाया सजाने वजाने के लिए, पर नहीं बोल रही है नहीं ऐसे ही रहने दो, और केक रख लेते हैं और काट लेते हैं। और इधर भी जल्दी रेडी हुई हूँ मैं, इधर हमने कर दिया केक रेडी, और इधर हो गए केक काटने वाले रेडी। वैसे वैसे ना बहुत जल्दी रेडी हुई हूँ ना मैं डेली से, है ना, थकावट की वजह से साड़ी भी नहीं पहनी आज, शरारा बोलते हैं, गरारा बोलते हैं। और इन्हें देख लो, इन्हें पहले इतने ज्यादा उत्सुक हो रहे हैं
कि इसमें है क्या, ये देखो लिए बैठे हैं केक। क्या बेटू मम्मा के लिए केक? अरे अरे तुम रख के गए होगी, वो तुरंत आ। आज फायर कैंडल भी लाए हैं और ये भी लाए हैं जो कर्टेन वाली वो होती है झालर, और ये डेकोरेशन का पूरा हैप्पी बर्थडे वाले स्टिकर, वो जो बैलून वाले होते हैं वो, और ये सिल्वर कलर के हैं कर्टेन वाले दो झालर, गोल्डन कलर की झालर लगा था लेकिन पूरा घर पड़ा था, दूसरा थकान बहुत हो रही थी। ये तो केक कट करने की भी मना कर रही थी पर, लेकिन मैंने अब केक आ गया है तो केक तो कट कर ही लो, और भगवान के लिए भी प्रसाद चढ़ जाएगा। और बर्थडे में काटेंगे ना बिग्गू करके, काटेंगे ना डुगू का, एक मंथ बाद बर्थडे है, फिर अच्छे अच्छे केक कट करेंगे। और श्याम तो पहले बहुत परेशान हो रहा था, लेकिन जब उसे केक टेस्ट कराया ना तो फिर एकदम शांत हो गया, उसे अच्छा लगा। और मैंने लड्डू गोपाल के लिए मंदिर में प्रसाद रखने के लिए केक निकाल दिया है काट कर। आज पहला बाइट आप लोगों के लिए, भगवान जी को निकाल दिया है, अब आप लोग भी खा लीजिएगा। अच्छा लग रहा है उसे बहुत ज्यादा, बहुत अच्छा लग रहा है उसे, टेस्ट अच्छा लग रहा है केक का। मोबाइल इधर तरफ देख रहा है उधर खा रहा है तो सबको बता रहा है, तब से तो इसको इंतजार है, कब से केक के साइड देख देख के वो देख रहा था कि कब ये क्या है, मुझे दे खाने की चीज हो तो मुझे दे, तब से जब से तुमने केक ओपन किया तब से देख रहा है वो। जैसे ही हम लोगों ने पहले केक खिलाया ना श्याम को, तो फिर ये इसे अच्छा लगा तो ये और भी मांग रहा था। कुछ तैयारियां नहीं की और इस समय काम का कुछ प्रेशर ज्यादा है और थकावट भी है, ये तो बड़ी मुश्किल से सोते हुए जगा के कपड़े, मेरे कपड़े पहन लो कुछ भी कर लो, और ज्यादा नहीं तो केक ही, तो केक तो काट ही लो, सामान आ गया केक वगैरह। प्रिया तो तब से कह रही थी कि सजावट करेंगे और मैं अकेले कर लूंगी, यानी कि रहने दो, वो तो उसका मन था मामा सजावट करो सजावट। इतनी गुस्सा, इतनी गुस्सा, डुगू का होगा ग्रैंड, देखो डुगू का किस तरीके से होता है, पर कोशिश पूरी करेंगे कि अच्छा ग्रैंड बर्थडे हो उसका। ठीक है चलो इसका मुंह धराओ। तो चलिए फ्रेंड्स आज का ब्लॉग यहीं पर करते हैं एंड, मिलते हैं आपको अगले नेक्स्ट ब्लॉग के साथ में। और अगर आज का थोड़ा सा भी ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, और जो न्यू हो वो सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे जो न्यू ब्लॉग हैं वो आप तक ऐसे ही पहुंचते रहें। तो चलिए फ्रेंड्स बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर।